हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और दोस्तों, आज की क्लास इस रीजनिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लॉक पार्ट थर्ड। इस क्लॉक में हम बात करेंगे क्लॉक जो हमारा अभी चल रहा है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है घड़ी। घड़ी में क्लॉक से रिलेटेड हमने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, और उन दो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तीसरे वीडियो में मैं बात करूँगा, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो बहुत ही एक ऐसा लेक्चर जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट के कन्फ्यूज रहता है, सारे कन्फ्यूजन आज दूर कर दूंगा मैं, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज का मतलब हुआ कि आज का टॉपिक मिरर इमेज और वाटर इमेज पे है। तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, दैट मीन्स कि आज मैं दर्पण प्रतिबिंब किस पे बात करूँगा, दर्पण प्रतिबिंब के बाद पर बात करूंगा, और दर्पण प्रतिबिंब के साथ आज मैं वाटर यानी जल प्रतिबिंब की बात करूंगा। किस पे बात करूंगा, जल प्रतिबिंब की, ठीक है। इन दोनों को आज मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर इमेज की। दोस्तों, मिरर इमेज में क्या होता है कि एक घड़ी होती है, एक क्लॉक आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एक क्लॉक आपका कुछ इस तरह से होता है, और कुछ क्लॉक का जो डायफ्रेम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबको पता होगा कि कुछ इस तरह से होता है। अब इस तरह से जब घड़ी होती है, तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सामने एक दर्पण रख दिया जाए, दर्पण देख रख दिया जाए, और आपसे इसमें को टाइम दे दिया जाए, आपसे पूछे कि बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लॉजिक से सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज गलत हो सकता है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए, देखिए क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को मान लीजिए टाइम दे दिया जाए, आपसे कहा गया कि बताइए अगर घड़ी में 7:15 हो रहे हैं तो बताइए उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, 7:15 कोई भी टाइम हो, हम घड़ी का जब दर्पण प्रतिबिंब होता है तो हम क्या करते हैं, अगर आवर्स दिया हो, केवल आवर्स दिया हो, तो हम उसको 12 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं, 12 से घटाते हैं, समझिएगा, 12 से घटाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूँ। तीन कंडीशन होता है। एक होता है जब केवल घंटे की बात किया गया हो, एक होता है जब केवल घंटे की बात किया, अगर आवर्स दिया हो, ओनली आवर्स पूछा हो कि 7 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो अगर आवर दिया हो तो हम केवल 12 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 12 से घटाएंगे, ठीक है। अगर आवर्स के साथ साथ मिनट दिया हो, आवर्स के साथ साथ मिनट भी दिया हो, तो अब इसी 12 को हम मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 11:60। 12 बज गया कि नहीं बज गया, बिल्कुल बजा है, 11:60 12 घंटे के बराबर होता है। और ऐसे केस में आवर्स और साथ साथ अगर मिनट भी दिया हो तो 11:60 से हम माइनस करते हैं, यानी अगर आवर्स दिया हो तो केवल 12 से माइनस करते हैं, आवर्स के साथ साथ मिनट दिया हो तो 11:60 से माइनस करते हैं। लेकिन अगर आवर मिनट के साथ साथ सेकंड भी दिया हो तो ऐसे केस में फिर हम इसको क्या करते हैं, 11 को वैसे ही रहने देते हैं, 60 में से एक मिनट निकाल देते हैं बाहर, यानी ये हो जाएगा 59 और यहाँ हो जाएगा 60 सेकंड। अब फिर से मैंने क्या कर दिया, बस 11:59 60 सेकंड 12 बज के पूरा होता है, पूरा 12 बजे के बराबर होता है, यहाँ केवल मैंने क्या कर दिया, मिनट से एक सेकंड निकाल दिया और उसी मैंने कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इस तरह से आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, अगर केवल आवर दिया हो तो केवल 12 से माइनस करते हैं, यदि आवर के साथ साथ मिनट दिया हो तो 11:60 से माइनस करते हैं, यदि आवर के साथ साथ मिनट और सेकंड दिया हो तो 11:59 60 सेकंड से माइनस करते हैं। केवल हम क्या करते हैं, 60 मिनट को मिनट और सेकंड दोनों में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम घंटे को एक घंटा निकाल के उसको 60 मिनट में चेंज कर लेते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए घड़ी में कहा आपसे कि अगर 7 बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 7:15, तो 7:15 को क्या करेंगे हम, 11:60 से घटाएंगे, 7:15 को 11:60 से घटाएंगे तो आएगा 45, और 45 11 में 7 के कितना आ गया, 4, तो कितना आ गया, 4:45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:45 आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए यही कह दिया गया होगा 7:15
7:15:10 हो रहे हैं, कितना हो रहा है 7:15:10 हो रहे हैं, तब कितना बजेगा? तो इसको हम क्या करते हैं, 60 में से 10 की कितना आ जा गया 50, और 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4, और यहाँ 11 में 7 गए 4, 4:44:50 कितना आ गया 4:44:50 ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा गया केवल 7 बज रहे हैं, केवल 7 बज रहे हैं, तो 12-7 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 5, आंसर कितना आ जाएगा 5। अब इसका हम इमेज भी देख लेते हैं, आप इमेज देखिएगा, यहाँ हमने लिखाया है 12 से, हमने 7 माइनस किया तो आया 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मिरर इमेज देख लेते हैं, क्या ये सही है? चलिए, हमने पहला बताया 7 बज रहा है, कितना बज रहा है 7 बज रहा है, तो 7 आपका ये बज रहा है 7, तो 7 बजने के इसमें कितना बनना चाहिए 5 बनना चाहिए, तो बिल्कुल आपका 5 बजेगा। देखिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, देखिए आपका कितना बजेगा, देखिए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, 5 बज गया कि नहीं बज गया, बिल्कुल बज रहा है। दूसरा केस था 7:15, कितना बज रहा है 7:15, तो 7:15 पर केस क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब इसका केस क्या बनेगा, इसका देखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका पहले हम इसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, और उसके बाद ये 7 पे आया है यहाँ पे, तो ये इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कितना आ गया 4:45 आपका आ रहा है, 4:45 आ रहा है। देखिए ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल सेम बन रहा है। चलिए, तो आई होप कि चीज़ें ऐसे भी आएंगी, ठीक है। ये था हमारा दर्पण प्रतिबिंब, अब आपको दर्पण प्रतिबिंब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ वाटर इमेज के लिए, जल प्रतिबिंब की बात करता हूँ। चलिए अब मैं जल प्रतिबिंब की बात कर लेता हूँ। देखिए जब भी जल प्रतिबिंब की बात है, जल प्रतिबिंब क्या होता है कि एक क्लॉक होता है, कुछ इस तरह से, क्लॉक होता है, ठीक है। इसका डायफ्रेम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से डायफ्रेम होता है, इस तरह से, और जल प्रतिबिंब रखा होता है कुछ इस तरह से, इसके नीचे जल होता है, फिर आपसे यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, आपसे पूछता है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए जल प्रतिबिंब में दो केस होते हैं, दो केस होते हैं, समझिएगा, इसमें केवल दो केस होते हैं। एक क्या होता है, इसको हम केवल और केवल किससे माइनस करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब केवल आवर्स की बात की गई हो, तो हम इसको 18 से घटाते हैं, किससे घटाते हैं 18 से घटाते हैं, अभी बता रहा हूँ क्यों घटाते हैं, इसको केवल 18 से घटाते हो। लेकिन अगर आवर के साथ साथ मिनट भी दिया हो, तो आवर के साथ साथ मिनट के दो केस होते हैं। एक क्या होता है कि अगर आवर्स के साथ साथ मिनट की संख्या मोर देन इक्वल 30 हो, मतलब अगर मिनट की संख्या 30 हो या 30 से कम हो, तीस के बराबर हो या तीस से कम हो, तो ऐसे केस में हम 18:30 से घटाते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 18:30 से घटाते हैं। लेकिन अगर मिनट की संख्या 18:30 से ज़्यादा हो, अगर यहाँ पे आवर के साथ साथ मिनट की संख्या 30 से ज़्यादा हो, तो हम 18:90 से घटाते हैं, 18:90 से घटाते हैं, समझ लीजिएगा। क्यों ऐसा करते हैं, हम 18 से क्यों घटा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होता है कि घड़ी में क्या होता है कि जब जल प्रतिबिंब होता है, तो देखिए जल ऐसे रखा है क्षैतिज, तो ऐसे अगर रखा, अगर इस केस में जैसे जल रखा है ऐसे, अगर घड़ी की सुइयाँ होती हैं ऐसे, अगर घड़ी की सुई कुछ ऐसी होती है
तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या आएगा? कोई चेंज इसके मान में, मतलब सेम, अगर यहाँ पे 3:45 हो रहा है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 1:15 हो जाएगा। इस केस में ऐसा होता है, तो यहाँ पे देखिए इसके मान में, मतलब 36 तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन चेंज किस में आता है? इसमें चेंज आता है, लंबवत में चेंज आता है। आप देखिएगा कि लंबवत कितना चेंज आता है, देखिए इसमें चेंज आता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें चेंज आता है। अब देखिए 12:6 18, 11:7 18, 10:8 18, ठीक है, इस तरह से हो गया। और यहाँ देखिए 1 बज रहा है, 1 का मतलब 13 होता है, 13:5 18, यहाँ 2 का मतलब 14 होता है, 14:4 18, तो ये 18 आ रहा है, तो इसलिए 18 से हम घटाते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जल प्रतिबिंब की जब भी बात की जाए तो जल प्रतिबिंब में हमेशा हम, अगर केवल घंटे की बात की जाए, केवल घंटा, तो हमेशा हम 18 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 18 से घटाते हैं। अगर घंटे के साथ मिनट भी दिया और मिनट की संख्या 30 या 30 के बराबर हो, 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, समझिएगा ध्यान से, 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? 30 से कम या 30 से बराबर हो तो ऐसे केस में हम केवल 18:30 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 18:30 से घटाते हैं। देखिए मिनट की संख्या 30 से कम या 30 से बराबर, 30 के बराबर हो तो ऐसे केस में 18:30 से घटाते हैं। लेकिन अगर मिनट की संख्या 30 से ज़्यादा हो तो 18:90 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं? 18:90 से घटाते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपसे कहा गया कि अगर 7:15 हो रहे हैं तो बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। जल प्रतिबिंब, अब मिनट की संख्या देखिए, मिनट की संख्या 30 के क्या है? कम है। और 30 से जब कम है तो हम इसको 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से 7:15 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 15, और यहाँ आ जाएगा 18:07, 11:15 आएगा। कितना आएगा? 11:15 आएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 18:30 से घटाएंगे तो 7:15 आएगा, मतलब 7:15 को 18:30 से घटाएंगे तो 11:15 आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको, अगर मान लीजिए यही 7:30 होता तब क्या होता? तो 7:30 अगर होता तब भी हम 30 से घटाते। क्यों? क्योंकि ये 30 के बराबर या 30 से कम हो तो 30 से ही घटाते हैं, तो इसको हम 18:30 से घटाते तो ये आ जाता 0, ये हो जाता 0, 18 में 7 11, तो 11 बजता। कितना बजता? 11 बजता, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए 30 से ज़्यादा आ गया, 7:45 आ गया, 7:45, तो इस केस में हम क्या करते? तब 30 से नहीं घटाते, हम 90 से घटाते, 18:90 से घटाते, और 90-45=45 हो गया, 18-7=11, यानी 11:45 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखिएगा, चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट साथ साथ आपको ट्रिक बताता हूँ, जो कि हर चैनल में आपको नहीं मिलता। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर दीजिएगा। और साथ साथ नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ की सारी क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, जितना भी मेरा वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए अब आपको नो टेंशन, आपको मैथ रीजनिंग में पूरी तरह से सिखा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मैं और वीडियो अपलोड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।